हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखिए, आज मैं अपना क्रिसेंथियम का कटिंग का अपडेट देने वाली हूँ और इसका रिपोर्टिंग भी करूँगी। तो उसके लिए देखिए मैं कैसा सॉयल मिक्सचर बना रही हूँ और ये सब मैं वेस्ट मटेरियल में लगाने वाली हूँ जो कि मेरे घर में काफ़ी रखे हुए हैं। तो देखिए मैं इसके लिए कौन सा मिट्टी लाई हूँ और क्या क्या मिक्स करती हूँ, सब मैं अभी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो ये देखिए, यह है मेरा गार्डन सॉयल। मैं 2 दिन सुखाई थी लेकिन ये भींग गया है क्योंकि अभी बारिश शुरू हो गया है। और यह है देखिए मेरा किचन कंपोस्ट जो कि मैं चाल के रखी थी, और यह है काफ़ी पुराना काउडंग, तो इसका मैं ज़्यादा यूज नहीं करूँगी। और यह है हॉर्न का राख, जो धूप का राख जलाया जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें। और इसमें समी का पौधा का ही लकड़ी ज़्यादा जलाई हूँ मैं, क्योंकि पहले मेरा बहुत बड़ा प्लांट था तो मैं सब काट के रखी थी हॉर्न के लिए। और यह है नीम खली, तो ऐसे तो मेरे पुराना मिट्टी है तो सब कुछ है इसमें, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा मैं सब मिलाऊंगी। और मैं अभी सरसों के खली या कुछ और नहीं मिला रही इसलिए क्योंकि मेरे यहाँ बारिश शुरू हो गया है और सरसों के खली मिलाऊँगी तो अभी कीड़े लग जाएंगे, इसलिए मैं उसके जगह पर राख मिला रही हूँ। ये काफ़ी अच्छा है और सारे पोषक तत्व इसमें होते हैं धूप के राख में, तो मैं इसको कभी नहीं फेंकती हूँ। जब से मैं गार्डनिंग कर रही हूँ हमेशा अपने मिट्टी में मिक्स कर देती हूँ और बहुत अच्छा होता है। और खाली इसमें 9 ग्रह का लकड़ी यही सब होता है तो बहुत अच्छा रहता है, तरह तरह का लकड़ी का राख इसमें मिक्स हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। ये सत्यनारायण पूजा का मैं रखी थी तो आज मैं लगा रही हूँ। और आज मुझे थोड़ा सा बालकोनी का भी साफ सफाई करना है, इसलिए मैं इस कटिंग को भी लगा दे रही हूँ क्योंकि काफ़ी छोटा छोटा प्लांटर में बहुत दिक्कत होता है पानी डालने में, तो सबको मैं साफ करूंगी लगाने के बाद। बहुत ज़्यादा काम करना है मुझे और एक टेंशन सा बना हुआ था कि क्रिसेंथियम का कटिंग का रिपोर्ट अपडेट मैं नहीं दी। और देखिए पीडियाश्योर का डब्बा है जो पेंट का शॉर्ट्स मैं डाली थी, और ये सब देखिए 2 लीटर वाले स्प्राइट का है बॉटल, काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो क्रिसेंथियम के लिए कोई बड़ा पॉट का ज़रूरत नहीं होता है, मैं पिछले साल भी बॉटल में लगाई थी और काफ़ी फ्लावरिंग हुआ था, आप लोग देख भी सकते हैं इन्वर्टर बॉटल में मैं लगाई थी। और इस बार ये देखिए सब पुराने पॉट का जो निकले हैं दिए का टुकड़ा, ये सब जो काफ़ी निकला हुआ था तो मैं इसको पानी से साफ कर दी। देखिए बिल्कुल न्यू हो गया, पूरा फ्रेश फ्रेश महसूस कर रहा है ये भी। तो हर पुराने पॉट को मिट्टी को मैं साफ़ की हूँ और धूप दिखाई हूँ क्योंकि विंटर फ्लावर लगा रही हूँ, तो 2 दिन धूप लगाने के बाद, लेकिन 1 दिन बारिश में भीग जाने से थोड़ा सा मिट्टी गीला हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। और देखिए सारे बॉटल में मैं लगाऊंगी, 8-10 प्लांट ही ग्रो की हूँ मैं, ज़्यादा नहीं की हूँ। और इसमें 1-2 प्लांट ख़राब भी हो गए हैं लेकिन लगभग काफ़ी अच्छा अपडेट है, और 1 से 2 प्लांट ही मेरे ख़राब हुए हैं, सब लग गए हैं। और छोटे छोटे डब्बे में ही मैं लगाई थी क्योंकि 2 ही कलर मेरे पास थे। देखिए इसी में पहले क्रिसेंथियम का मेरा प्लांट था तो इसी को काट काट के मैं इसी में कटिंग लगाई हूँ, और देखिए एक कितना अच्छा ग्रोथ ले लिया है और कितना बड़ा हो गया है, और देखिए कितना अच्छा रूट आ गया है इसमें। और इसको मैं पिंचिंग नहीं की हूँ तो ये लंबा हो गया है, लेकिन लगाने के कुछ दिन के बाद मैं पिंचिंग करूँगी और देखिए इसमें काफ़ी अच्छा से सेट हो जाएगा। और बाद में तो मैं लिक्विड ये सब डालते रहती हूँ, लेकिन और सब में काफ़ी रूट आ गया है। देखिए एक एक कटिंग को मैं आप लोग से दिखाऊंगी क्योंकि ये लग रहे हैं तो लग ही जा रहे हैं, अभी काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, देखिए सब में रूट आ गया है। और ये अपने जगह पर चले जाएंगे तो इनमें ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी क्योंकि मैं बहुत छोटा छोटा प्लांटर में लगाई हूँ। और देखिए इसी में 2 प्लांट था और डहेलिया का भी कुछ बल्ब था इसमें, लेकिन अभी ग्रो नहीं हुआ है। और अब मैं इस प्लांटर को बिल्कुल हटाऊंगी नहीं क्योंकि इसमें एक जोरा का कटिंग ग्रो हो गया है तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है, इतना छोटा छोटा आइसक्रीम के डब्बे में इतना बड़ा बड़ा कटिंग ग्रो हुआ है, देखिए सब में काफ़ी रूट बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और मैं बस 2 ही प्लांट का कटिंग इतना लगाई थी, 8-10, और देखिए कितना सब में रूट बना हुआ है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि 1 महीना पहले का कटिंग है, देखिए कितना ज़्यादा रूट बना हुआ है। और मैं इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगी, ऐसे तो रूट आप लोग देख ही रहे हैं, तो बहुत प्यारा लग रहा है और काफ़ी अच्छा से ग्रो हो जाएगा। फ्रेंड हर चीज़ मैं रूट के साथ ही दिखाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है
क्योंकि अपडेट के साथ दिखाना ठीक रहता है, इसलिए मैं हमेशा कोशिश हर चीज़ आप लोगों से शेयर करूं। देखिए ये छोटे छोटे डब्बे में कितना अच्छा ग्रोथ हुआ है, और ये सब फेंकने वाले डिब्बे थे फ्रेंड्स, लेकिन मैं कटिंग लगा दी। लेकिन बहुत इधर उधर करना पड़ता है, बहुत केयर करना पड़ता है, चेक कर कर के पानी डालना पड़ता है, इसलिए मैं इसको ट्रांसप्लांट कर रही हूँ। और अपना जगह पर जाके काफ़ी अच्छा ग्रोथ ले लेगा, और बड़ा डब्बा में लगाने में ठीक रहता है, क्योंकि कहीं भी हटा दीजिए, लेकिन छोटा को बहुत संभालना पड़ता है। ऐसे ये सब मैं सेंड में लगाई थी, कुछ मैं मिट्टी में लगाई थी और कुछ सेंड में लगाई थी। और देखिए इसमें ये मेरा बालकनी में धूप नहीं आने के चलते इसमें कहीं कहीं मिली बग भी लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं स्प्रे करके ठीक कर दूँगी। लेकिन अभी तो मैं कुछ भी ठीक करने वाली नहीं हूँ, अभी जैसे मैं लगा रही हूँ वैसे ही छोड़ दूँगी। और देखिए इधर हिबिस्कस में भी फ्लावरिंग हुआ था, और देखिए इसमें थोड़ा सा कम रूट आया हुआ है, लेकिन ये निकल गया, लेकिन सब लग जाएगा। देखिए इसको मैं मिठाई के डब्बे में लगा रही हूँ, ये सब में काफ़ी अच्छा ग्रो हो जाते हैं, बस इनका सॉयल मिक्सचर अच्छा होना चाहिए। और ये सब मेरी गोल्ड का कटिंग है, 2-3 दिन पहले मैं लगाई हूँ और काफ़ी अच्छा ग्रो हो गया है। देखिए जितना भी है सब मैं लगा दूँगी, लगभग 10 प्लांट है और सब मैं लगा दूँगी। और चाहूँ तो मैं इसका ऊपर से कटिंग करके और भी लगा सकती हूँ, लेकिन दो ही कलर कितना लगाऊँगी फ्रेंड्स, बाद में मैं देखूँगी। काफ़ी फ्लावर भी सीड लगाई हूँ तो वो सब भी निकलेगा, अभी जितने पास मेरे पास हैं वो सब लगा दे रही हूँ, और इसमें बहुत अच्छा लगेगा। और मैं बाद में दिखाऊँगी सब आप लोग से अपडेट इसका। और देखिए कितना लंबा हो गया है कटिंग, इसको थोड़ा सा और पहले हमको लगाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया है। लेकिन अब इसको मैं पिंचिंग करके घना बनाऊंगी, पिंचिंग भी नहीं करती थी मैं, छोड़ दी थी ऐसे ही, क्योंकि इधर इतना ज़्यादा जंगल बन गया है कोलियस का कि कुछ दिखाई भी नहीं देता है अगर सामने ना रखूं तो। और ये छोटे छोटे में तो काफ़ी केयर करना पड़ता है इधर उधर, तो बहुत अच्छा होता है जब अपने हाथ से कोई कटिंग ग्रो होता है, और बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने हाथ से कटिंग को ग्रो की हूँ। और मेरी गोल्ड तो इतना आसान है लगाना फ्रेंड्स, कि कहीं भी ला के आप कटिंग और इसको लगा दीजिए। और देखिए मात्र 2-3 दिन पहले या 4-5 दिन पहले लगाई होंगी, मुझे याद नहीं आ रहा है, और देखिए कितना अच्छा ग्रोथ हो गया है। ऐसे ही करके मैं पूरा टेरिस पे मेरी गोल्ड ही ज़्यादा लगा दी हूँ, जब फ्लावरिंग होगा तो सोचिए कितना प्यारा लगेगा। और बाद में मैं इसमें और भी कुछ डालूँगी, सरसों के खली या कोई भी और फर्टिलाइज़र डालूंगी, लेकिन अभी मैं नहीं डाल रही हूँ कुछ, क्योंकि ये बहुत अभी मासूम है, और इसमें ज़्यादा मैं फर्टिलाइज कर दूंगी तो ये ज़्यादा गलने का भी डर रहेगा, क्योंकि बारिश शुरू हो गया है तो कब तक चलेगा ये कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन मैं मुझे ज़रूरत है, साफ़ सफाई करना है, इसलिए मैं इसको हटा रही हूँ, नहीं तो अभी मैं इसको नहीं ट्रांसप्लांट करती। और देखिए पानी डाल के मैं 1 हफ्ते के लिए यही कोलियस के बगल में मैं सब रख दूँगी, उसके बाद आंगन में या टेरिस पे ले जाऊंगी सब, तब इनमें ग्रोथ अच्छी होगी। और ये बहुत अच्छा है, देखिए सब पिंचिंग कर दूंगी मैं, लेकिन आज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं ट्रांसप्लांट भी की हूँ और पिंचिंग भी करूंगी, तो हो सकता है कि पौधा मेरा ख़राब हो जाए। और देखिए एक जोड़ा इतना अच्छा ग्रो हो गया है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूँगी, क्योंकि यही जल्दी जल्दी करने के चक्कर में अच्छे अच्छे पौधे ख़राब हो जाते हैं फ्रेंड्स। बहुत अच्छा ग्रो हो गया है फ्रेंड्स। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू।